Assalamualaikum guys and girls. मैं as usual आ गई हूँ और आज मैं आपको बड़ी खुश नजर आ रही हूँ कि जिसकी दो वजूहत है. एक तो ये है कि अभी हम जा रहे हैं जी शादी पे, शादी खाने. सारे मुझे पेटू कहते हैं, तो फिर कहते हैं ना जब हम पे इल्जाम तो ऐसे भी है तो वैसे भी सही. खैर शादी पे जा रहे हैं और दूसरा अभी एक ही दिन रह गया है, फिर इंशाल्लाह ताला मुईज होगा हमारे साथ. तो मैं ये इसीलिए ये सारी आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारी चीजें लाने के लिए थी आज. अंडे, मक्खन और साथ ये मटर 240 रुपीस किलो. चिकन ले आई हूँ, चिकन का रेट चल रहा है 350 रुपए किलो. अच्छा, ये चिकन और भी प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्चे और है नहीं बन गई. और जनाब साथ ये फ्रूट आ गया. रानी फ्रूट फ्रिज में नहीं रखना, अमरूदों की स्मेल चली जाती है. तो सेब, अमरूद, केला, हमारा प्लान यही है कि हम बना लिया करेंगे फ्रूट चाट. और साथ ये उस दिन जो मैं लेके आई थी वो बाबा खा गई. खा खा क्यों? ये मैं अच्छा, एक एक और ले आई. अच्छा ये तुमने बहुत अच्छा किया अंजुम. आपने मैंने सारा नहीं खाया, उसमें पड़ा हुआ है, ये उसमें डाल दूंगा. अच्छा, मैं केक में डाल ले जा खाऊं. और ये मैं केक क्यों लाई हूं? ताकि मैं खाऊं. नहीं अच्छा अच्छा ओके, बोल ना देना. अच्छा अच्छा ओके, स्पॉइलर ना दे देना. अच्छा अच्छा, तो ये इसका बनेगा, प्लेन केक डलेगा अंदर, केले भी डलेंगे अंदर, शायद अंगूर भी डले. अच्छा, तो ये हम चीजें सारी संभाल के और फिर ऊपर चलकर मैं दिखाती हूँ कि मैं पहनने क्या लगी हूँ. ओके चलो जी, आओ लेट्स गो. मैंने कहा मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखा दूं. ये लाइम लाइट से मैंने एक ये पटियाला शलवार है ये ली थी, पटियाला शलवार है. और साथ ये शनायर का ये वेलवेट का कमीज है और साथ ही ये वेलवेट की शॉल है. अच्छा, मैंने कहा पटियाला की वो है तो लखनऊ की शायद कमीज है. तो दिल्ली का दुपट्टा है. क्या जोक्स हैं बाबा. फिर भी लोग पसंद करते हैं. चलो जी, बुरे तो एक हम ही हैं. नहीं नहीं अच्छा जी, चलो जी, ये हमारी शादी का ड्रेस हो गया. और ये मेरी फ्रेंड नबीला, जिनका जो डिजाइनर है और जिनका जो ब्रांड है उसका नाम है समीज बाई नबीला, तो उनकी तरफ से ये कुछ ड्रेसेस आए हैं. तो अभी मैं आपको सूरत हाल बता देती हूँ यार. ये देखिए टाइम हो रहा है इस वक्त 5:10, ठीक है ना. 7 बजे हमें यहाँ से निकलना ही निकलना है क्योंकि पिंडी जाने का रास्ता 1 घंटे का तो है. हाँ, तो लेकिन ये है ना कि फिर हम तो शादियों पे बिल्कुल टाइम पे पहुंचते हैं. ऑल्दो क्या हमें पता है कि थोड़ा लेट ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा, लेकिन वो हमें आदत है तो हम अपनी आदत पे मजबूर हैं. मुझे अभी तैयार भी होना है, कुछ थोड़ी सी चीजें वो फ्रूट वगैरह सारा अभी संभालूंगी. तो ये इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे खूबसूरत उसने मुझे ड्रेसेस भेजे हैं. ये मैं पहन के और मैं ट्राई करके कल मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये दिखाऊंगी. तो कल का व्लॉग आपने बिल्कुल मिस नहीं करना. साथ ही कुछ फाइनल किस्म की जो फाइनल टचेस हम देंगे सारे घर को, क्योंकि फिर उससे अगला व्लॉग जो होगा वो इंशाल्लाह ताला होगा मुईज के साथ इंशाल्लाह. अंजुम तैयार हो गई? तकरीबन बहुत अच्छा सूट लग रहा है भाई. इट्स ब्यूटीफुल सूट. अच्छा अभी जूता भी पहनना है. ओके, जूता नहीं पहनना, यानी कि फाइनल लुक नहीं हुई. नहीं फाइनली समझ लें. और ये फलाफा, फलाफा तो बहुत अच्छा लग रही है. अच्छी लग रही है. हाँ यस बिल्कुल. टू मच तो नहीं हो रहा ये? नहीं नहीं टू मच क्यों हो रहा, शादी पर है. हाँ. एक व्यूअर ने कमेंट दिया है बड़े प्यार से कि जी इन मोहतरमा को अपने प्रोफेशन से ज्यादा जो है वो मॉडलिंग करना ज्यादा अजीज है. तो जनाबे अली, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि डॉक्टर कुछ और कर नहीं सकती. ठीक है, डॉक्टर्स मल्टीटास्किंग भी कर सकती हैं, इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो और बहुत कुछ कर रहे हैं. तो इंसान का दिमाग जो है वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है. वी आर नॉट लाइक एनिमल्स कि हम एक जगह से ग्रेजिंग करने शुरू करें तो वही करते जाएँ. वी आर ह्यूमन बींग्स और जो हमारा ब्रेन है वो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सुपीरियर बनाया हुआ है. और लाइफ इज़ टू शॉर्ट. तो आप सबसे को ये मेरा मशवरा है कि यार जितना कुछ कर सके, छोटी सी जिंदगी है, अच्छे काम करें और बहुत सारे काम करें.
दूसरा ये है कि मॉडलिंग मैं नहीं कर रही थी, मैं गई हुई थी अपने लिए झुमके लेने, और ये तो मैं आप लोगों को अक्सर नहीं दिखाती हूँ कि आप लोग G9 से बोर हो जाएंगे, लेकिन तकरीबन मेरा रोजाना ही चक्कर लगता है अपने मरकज में, क्योंकि मैं 20 ईयर से वहाँ बैठी हुई हूँ और एक एक शॉप पे जाना, एक्सप्लोर करना, ये मेरे पास बहुत टाइम होता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक उधर ही होती हूँ। तो इसलिए आप भी मेहनत करें, हसद ना करें। और दूसरा रहेगी बात इन झुमकों की, तो ये आप बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। मुझे तो थोड़े से कानों में मुझे थक गए हैं कान, मुझे आदत नहीं है इतने ज्यादा। अच्छा, एक और कमेंट आया था कि जनाबे अली आप डायमंड्स पहनने, यार डायमंड्स नहीं पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन झुमकों का अपना ही मजा है। उन्होंने लिखा है कि डायमंड पहनने ज्यादा ग्रेसफुल लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, झुमके भी बहुत ग्रेसफुल, ये हमारे कल्चर की वो है, ये वो वाला वो चीज है ये जो कभी पुराना नहीं होता, इसका और हमेशा इसका अच्छा चार्म, इसका ग्रेस हमेशा ही रहता है। तो बस ये है, और अभी हम लोग निकलने लगे हैं वेडिंग के लिए, तो चलते हैं और देखते हैं। मैं थोड़ी सी आज तो मैं कैट वॉक नहीं करूंगी, आज मैं करके दिखाने लगी हूँ जनाबे अली मॉडलिंग। अच्छा, अब होने लगी है क्या मॉडलिंग? मॉडलिंग, लेट्स गो। और जो मेरे प्यार करने वाले, ज्यादा तो प्यार करने वाले हैं, 99.9% पीपल लव मी एंड आई लव देम टू, और जो जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, दे कैन गो टू अदर चैनल्स, मुझे कोई इस चीज़ से एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ से बहुत एतराज़ है। आई डोंट वॉन्ट टू फेस एनी नेगेटिविटी ऑन माई चैनल। ये जनाब अपने फाइनल लुक दिखानी है ड्रेस की जी। बड़ा अच्छा ड्रेस है, इट्स अ वेरी गुड ड्रेस। ये शर्ट जो है ये श्नायर की है, और ये जो है दुपट्टा, ये मेरा एक सूट है सूबिया नज़ीर का, उसके साथ का दुपट्टा है। पहले मैंने शॉल निकाली हुई थी, लेकिन बहुत हैवी हो रहा था यार, कभी अगर बिल्कुल प्लेन ब्लैक ड्रेस पहना तो उसके साथ वो वेलवेट की शॉल ले लूँगी, वो बहुत हैवी हो रही थी। और ये जो ट्यूलिप शलवार है, ये मारिया बी से ली है। देखा, अगर मैंने अब कह दिया ना कि मारिया बी किया, तो आप कहेंगे कि फिर वो क्या पहनेंगे। और ये जो शूज, मैं सोच रहा हूँ कि मेल्स ने भी इस तरह कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जो मेरे शूज हैं, ये शूज मेरे हैं, मैंने अमेरिका से लिए थे, और ये भी एक अच्छे ही ब्रांड के। आज मैंने साथ ये कुछ कड़े वगैरह पहने हुए हैं, एक ये है, इसको मैं गुत्तों वाले कड़े कहती हूँ, ये वो ऐसे टर्न 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 होके गुत्तों वाले जी, साइड पे ये देखे ना, इसकी चेन्स हैं। मेरी नानी के पास भी, ये भी कभी डिजाइन पुराना नहीं होता, मेरी नानी के पास जो ये वाले कड़े थे ना, उनमें शेरों के मुंह बने हुए थे, मगरमच्छ के मुंह बने हुए थे। और ये मेरी रिंग्स, अंगूठियां, हाँ हाय मेरी अंगूठियां जी। तो आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूं। मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छा जी, जो लाइम लाइट की मैंने ट्यूलिप शलवार पहनी थी ना, वो मुझे इतनी ज़्यादा इसके नीचे सूट नहीं की थी जितनी फिर मैंने वो मारिया बी से जो ली हुई थी, जो आपको याद होगा मैं आमना के लिए भी लेकर गई थी अमेरिका, वो वाली ट्यूलिप शलवार फिर मैंने निकाल कर इसके नीचे पहन ली हुई है। यार कानों में मैंने कभी कोई इस तरह की भारी चीज़ नहीं पहनी, आप लोग तो इस बात के गवाह ही होंगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये इतने लाइट वेट थे और इनकी लुक इतनी रिच थी, और कि मैं आराम से पहन कर ये गई, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने तारीफ़ की कि इस तरह की चीज़ें मुझे सूट करती हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आइंदा भी मैं इंशाल्लाह कोई और इवेंट आया तो इसी तरह की कोई बड़े झुमके या वो पहनूँ। ले जी, ये है जनाबे अली बाबा की फुल लुक। मुजीब, आपने ये मफलर क्यों ले लिया? शोरदी है, शोरदी। कब सर दी? शोरदी? वो शोरदी है। वाओ, हैंडसम एज ऑलवेज। वो तारीफ करी, वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं, तो वो कह रहे हैं ईसा का गवाह मूसा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे आपकी भी तारीफ करते हैं।
जी आप बेशक थोड़े साइड पे हो जाएं, कैमरा बहुत स्पेस है। अच्छा हाँ, मतलब कि ऐसा ना कैमरे में ना हो। नहीं अच्छा, वाह जी वाह। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थोड़ा सा ऊपर करो। ओके हाँ, सॉरी मैं गाइस डाइवर्ट हो गई। अच्छा जी, तो ये है जी हम, ते मिकी ते भूख लगी हुई है, तो चलते हैं फिर। चलिए फिर, चलो। ओके गाइस, लेट्स गो। तो ये सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला क्लिप, जो कि मेरा बहुत पुराना तरीका है, पर मुझे बड़ा पसंद है। आप बताएं आपको कैसा लगता है। ज़्यादा मज़ा मुझे ये क्लिप्स बनवा कर इसलिए आता है क्योंकि मुझे बड़ा इनकरेज करते हैं, और वो इतने शौक से मेरे क्लिप्स बना रहे होते हैं कि फिर मैं भी जहाँ जहाँ वो मुझे कहते हैं मैं आराम से खड़ी होकर अपनी पिक्चर बनवा लेती हूँ। अभी तो हमने वीडियोस बनानी शुरू कर दी है, लेकिन फ़ोटोग्राफी का मुझे शुरू से ही शौक था। हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, मरी, सवात, गिलगित वगैरह जो हम गए हैं वहाँ, मुजीब को शौक था, हमने बहुत कलेक्शन रखी हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको अपनी पुरानी पिक्चर्स जो हैं वो सारी दिखाऊँगी। तैयार होकर निकल चुके हुए हैं और कुछ ही देर में हमारी लैंडिंग होने वाली है टू द वेडिंग हॉल। तो अभी आपके को अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी बाबा गिल्लूर की। ओवर टू कैप्टन बाबा गिल्लूर। गुड इवनिंग, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, बाबा गिल्लूर। टेम्परेचर इज 11 डिग्रीज, 500 meters, वेदर इज क्लियर एंड वी आर गोइंग टू रीच इंशाल्लाह आवर डेस्टिनेशन इन नेक्स्ट 45 मिनट्स। थैंक यू। तो ये हम एंटर हो गए हैं। ये जगह जो है ये नियर टू पिंडी है, वैसे इन बिटवीन इस्लामाबाद एंड पिंडी है, और यहाँ पर ढेर सारी मार्किज हैं। तो हमने भी, मुझे आपने ना आगे से वो कह रहा है कि आगे से आप वो ले लें राउंड अबाउट। ये होने की बारात तो नहीं जा रही थी? हाँ, मुझे तो लगता है कि हम किसी की बारात में घुस गए हैं। दुआ करें कि अब हम सही वाली शादी से हुए, पता चले किसी और ही की अटेंड करके आ गए। सलाम अलैकुम। बड़ी अनाउंसमेंट्स कर रहे थे आप। ये वो वाले पायलट्स हैं जो रास्ते में शेखुपुरा में ही जहाज उतार दिए। नहीं, जहाज तो हमने उतार दिए है, ये तो मार्केट तो आ गई है। ये तो अभी रनवे पे हम जा रहे हैं ना, अभी इधर से अपने अपने डेस्टिनेशन पे, अभी ये रनवे पे ये ले रहा है वो हमारा। चलाते तो मुजीब जहाज की तरह ही है, खैर से गाड़ी जी। खरामा खरामा हम पहुंच रहे हैं, तो आपसे मुलाकात होती है जनाबे अली फिर पहुंच कर। बहुत सारी मार्किज है भाई। टर्न राइट, देन टर्न लेफ्ट। अब आप ये राइट आगे टर्न लेफ्ट करेंगे तो फिर आपकी मार्की आ जाएगी। योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द लेफ्ट। ओके थैंक यू। इधर खड़ी कर दे, इधर ना? नहीं मुजीब, इतना पैदल क्या, चल इधर। अच्छा इधर आना होगा, चले फिर कर दे। असल में ना आपने हमेशा मुझे ना वो समझा है, कोई अपना फ्रेंड, बेगम। हाँ। बेगम की तरह आपने मुझे ट्रीट ही कभी नहीं किया। बेगम से ज्यादा तुम मेरी फ्रेंड हो। मतलब आपका मतलब है कि मैं अभी जंप करके निकलूं और फिर जंप करके ये सही है। ये मिल गई है जी पार्किंग, शुक्र है यार, करीब ही मिल गई है। वो सामने वो एंट्रेंस है। Thank you.
हरामा खरामा हम पहुंच गए वेडिंग हॉल में, बिल्कुल टाइम पे पहुंचे थे, हालांकि सारा जो सब कुछ है वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका टाइम पर ही हो गया था, जैसा कि दूल्हा की आमद और उसके बाद फिर दुल्हन का आना और खाना वगैरह, तो इसमें कोई डिले नहीं था, तो इसलिए अच्छा ही हुआ कि हम भी टाइम पे पहुंच गए। डेकोरेशन वाज अमेजिंग, स्पेशली वो जो रूफ़ के ऊपर फ्लावर डेकोरेशन थी वो बहुत अच्छी थी, लाइट्स रेड और वाइट कलर के फ्लावर्स यूज़ किए गए थे, रूफ़ को बड़ा अच्छा ऊपर से डेकोरेट किया गया था, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एम्बियंस था इस मार्की का। बाकी भी सारा काम टाइम पे हो गया था, जैसे बारात टाइम पे आ गई, खाना वगैरह अच्छा सर्व हो गया टाइम पे, ब्राइड भी आ गई, तो इस तरह से ये एक बड़ी अच्छी शादी रही और बड़ी यादगार। हमारे फ्रेंड्स हैं जिनकी बेटी की शादी थी और ये और बाकी और लोगों से भी मुलाकात हो गई, तो इट वॉज़ अ गुड इवेंट। तो बस बड़ी शान से देखें जी, दूल्हा आ रहे हैं और दूल्हा दुल्हन के आते ही फिर एक माहौल सा बन जाता है। तो ये मैं आई हुई हूँ वॉशरूम और यहाँ पर ये एज यूजुअल मैंने ली है अपनी बाथरूम सेल्फी, तो बताएं कि आपको कैसी लगी। तो ये जेंट्स की साइड पर मुजीब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे और गपशप लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि ये मैं उनकी साइड भी आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा जी, तो काफ़ी देर बैठने के बाद हमने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं इस मार्की को। इट वॉज़ ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी डेकोरेटेड थी। इस एरिए में कुछ 8-10 मार्कीज हैं और उससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है घर वालों को कि एक तो घर साफ़ सुथरा रहता है, वरना पुराने ज़माने में हुआ करता था कि सारे मेहमान जो हैं वो घर में जमा हो जाते थे, बाहर देगें बनती थी और बाहर कोई खुला सा एरिया देख के टेंट्स वगैरह लगा लिए जाते थे, उसका खैर एक अपना ही मज़ा था। लेकिन ये जो अब काम शुरू हो गया ना, इससे घर वालों को बहुत फ़ायदा हो गया कि वो ओवर एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। तो ये बाहर का भी मैंने कहा कि मैं आपको अराउंड करवा दूं, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ब्राइड को बिठाने के लिए एक अलहदा रूम है और वॉशरूम्स वगैरह भी अच्छे साफ थे इनके। अच्छा जी, तो खाना सर्व हो गया था और ये मैं ले आई थी अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था। खाना वॉज वेरी यमी। अच्छा जी, तो मेन्यू में था राइस जिसमें था मटर पुलाव, साथ दो किस्म के कोरमास थे, एक नॉर्मल चिकन कोरमा था रेड वाला और दूसरा था वाइट कोरमा, दोनों ही बहुत डिलीशियस थे। और फिर जैसा कि हर शादी ब्याह में होता है कि बारबेक्यू के बगैर तो मेन्यू नामुकम्मल होता है, तो बारबेक्यू भी था जिसमें चिकन टिक्काज और कबाब्स वगैरह थे जो कि गर्मा गर्म भी वो ला कर साथ साथ सर्व कर रहे थे, और सैलड्स में फ्रेश सैलड, बीन्स, मैक्रोनीज और इस किस्म के 2-3 सैलड्स थे और फ्रेश चटनीज थी। जी, तो मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था इसलिए मैंने काफ़ी पेट भर कर खा लिया। और फिर बारी आई जनाब डिज़र्ट की, डिज़र्ट में गाजर का हलवा और खीर थी विच वाज अमेजिंग, लेकिन घी तो होता ही है। फिर उसको नीचे करने के लिए बड़ी अच्छी सी ग्रीन टी थी, तो वो मैंने 2 कप साथ पी लिए ग्रीन टी के। तो जी, बारी आ गई ग्रीन टी की। सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ अमेज़ कर रही थी ना, वो ये
खाने वाले टेबल के बीच में ये एक फवारा सा चल रहा था और मेरा दिल कर रहा था कि मैं इससे हाथ धो लूं। अल्लाह हाफिज़। आपने खाना खा लिया? मज़ा आया? Yep.